अरे छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना, नहीं ना, अरे देख रहा है वो, देख रहा है ना, एक साथ रूम से गए पीने के लिए नहीं, धुआं निकालने के लिए, ताकि श्रीमान देख न सके। हम जैसे तीसरी आंख भी रखते हैं बाबू। जरा जल्दी चलिए श्रीमान, कहीं गाड़ी निकल न जाए। ज्यादा तेजी अच्छी नहीं होती, तेजी से किसी की जान भी निकल सकती है। अब तो दूसरा टायर भी नहीं, अब क्या होगा? आप लोग सामने वाली हवेली में चले जाइए, मैं गाड़ी ठीक करा के आता हूँ। जरा जल्दी आना। कभी यहां गौना लेकर आए थे, वो रात आज भी हमें अच्छी तरह याद है। जो कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक रास्ता है, वो आज हमारी सुहाग रात देखकर मान गए होंगे कि प्यार करने वाले मंजिल पा ही लेते हैं। ये लो, इस मंजिल पे तुम अकेले ही जाओगे ठाकुर, क्योंकि मैं अपनी सुहाग रात उसी के साथ मनाऊंगी जिससे प्यार करती हूं। क्या कह रही हो? ठाकुर की दुल्हन और सुहागरात किसी और के साथ मिलेगी? जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके पास दौलत नहीं थी, अब तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास प्यार भी है दौलत भी। जलील कमीनी धोखेबाज, याद रख, मेरी मौत के बाद भी मेरी नफरत अब तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। शादी की पहली ही रात हमारी दुल्हन ने हमें जहर देकर मार डाला, और तब से हमारी आत्मा भटक रही है, हर लाल जोड़े में हमें वही जहरीली नागन दिखाई देती है, और जब तक हम अपने हाथ उसके खून से न रंग लें हमें चैन नहीं आता। शंकर, शंकर गाड़ी कहां गई? कमीने, जाने दो मुझे, तुम लोग क्या सोचते होंगे, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं चिल्लाऊंगी, मैं शोर मचाऊंगी। जितना चाहे चिल्ला लो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम किसी और की दुल्हन नहीं बन सकती, मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ गीता, लेकिन मुझे तुझसे नफरत है, मेरे घर वाले तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भले ही कर दे, मगर भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता गीता। Yeah.
आ गया, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, बचा लो, वो आ गया। हिम्मत से काम लो, डरने की कोई बात नहीं। गाड़ी आ गई, चलो। जा रहे हैं आप? तुम? आप भूल सकते हैं, लेकिन हम मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना नहीं भूलते। आपका सामान। शुक्रिया। आ जाओ। अभी तक मेरी आंखों के सामने वो भयानक सूरत मंडरा रही है। जो देखा उसे भूल जाओ। शुक्र है भगवान का कि हम उस खूनी के हाथ से बच निकले। जल्दी से जाकर कपड़े बदलो, क्योंकि तुम पहली बार ससुराल जा रही हो। माफ कीजिए, क्या आप भी भूत प्रेत को मानते हैं? जरूर मानता हूं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भूत प्रेत को जब तक देख नहीं लेते मानते नहीं। ये भूत होते क्या हैं? वो लोग जो अपने वक्त से पहले किसी भी हादसे में मर जाते हैं या मरवा दिए जाते हैं, उनकी भटकी हुई आत्माएं भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती हैं और वो किसी भी आदमी में दाखिल हो सकती हैं। लेकिन उनकी पहचान क्या है? इसकी 5 इंपॉर्टेंट निशानियां होती हैं। जिस किसी के अंदर भी ऐसी रूह दाखिल हो जाए उसे हर वक्त पसीना आता रहता है, वो हमेशा होठ चबाकर बात करता है, उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं, यूं खुली रहती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो आग से बहुत ज्यादा डरता है। ऐसे शैतान को खत्म कैसे कर सकते हैं? वैसे तो उसके जिस्म पर किसी वार का कोई भी असर नहीं हो सकता, सिर्फ एक हिस्सा है दिल, जिस पर वार करने से ही वो खत्म हो सकता है। अगर उस शैतान की आत्मा किसी शरीर के अंदर दाखिल हो जाए तो क्या हर वक्त उसके अंदर ही रहती है? हाँ, और जब तक उस शैतान की आत्मा शरीर में रहती है उस इंसान को खुद होश नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यहां तक कि खून करने के बाद उसे खुद खून करने का एहसास नहीं होता। तो क्या वो इंसान हमेशा इसी उलझन में जब एक दिन उसका शरीर मिट जाता है तो वही शैतानी आत्मा किसी दूसरे शरीर में अपना घर बना लेती है? लेकिन उसके वैश्यपन का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब उसके सामने कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। Thank you.
लाशें कहाँ हैं? सर, लाशें अंदर हैं। इस इलाके में यह चौथी वारदात। जब भी किसी दुल्हन की डोली इस इलाके से गुजरती है तो अचानक दुल्हन का खून हो जाता है। चलो रे डोली उठाओ, कहा पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ, कहा पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ, कहा चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। सरदार, बेनाराम की बेटी की डोली। उस कमीने की जिसने हमारे खिलाफ पुलिस को खबर की थी, अब उसे हमारी मुखबरी का नतीजा मिल जाएगा। मैं के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूँ मिलन की सवरिया। मेरे सपने सजाओ, कहा तो डोली को घेरे में ले ले। घेरे में तो डोली आ ही चुकी है। इस गांव के अंदर आने जाने के लिए मंदिर के नीचे से ही होकर गुजरना पड़ता है। हर डोली प्रणाम के लिए इस मंदिर पर रुकती है। दुल्हन डोली में नहीं है? कहां गई वो? और करो डाकू दिलेर सिंह की मुखबरी, उठाकर ले गए ना उसकी बेटी को। भाई कुछ भी कहो, गंगाराम के साथ बहुत जुल्म हुआ। अब यहाँ बैठकर लकीर पीटने से क्या फायदा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए अरुणा की तलाश के लिए। तुम लाख तलाश करो, ना दुल्हन मिलेगी ना डाकू हाथ लगेगा। उसका पकड़ना उतना ही मुश्किल है जैसे आंधी को मुट्ठी में कैद करना। आपने ठीक ही कहा ठाकुर। शानदार घोड़ा है। और मालिक के बारे में क्या ख्याल है? मालिक चाहे जो भी हो, लेकिन घोड़ा लाजवाब है। यह तुम्हारे बजाय हमारे पास अच्छा लगेगा। इसके जितने दाम चाहे ले लो, मगर इसकी लगाम हमारे हाथ में दे दो।
लगाम तो हमारे ही हाथ में रहेगी, लेकिन तुम जब चाहो आकर हमारी सवारी के नजारे देख सकते हो। हमें मुफ्त की सवारी का नजारा देखने का शौक नहीं लाखन। जिनकी जेब में पैसा होता है वो चीजों खरीदना जानते हैं, दूसरों के एहसान के बोझ तले दबना नहीं। मामा ये लो लाखन। हम जिस चीज से प्यार करते हैं शेरा, उसे नीलाम नहीं करते। तो एक बात और गौर से सुन लो, हमें जो चीज पसंद आ जाए पहले हम हाथ जोड़कर मांगते हैं, और अगर न मिले तो हाथ तोड़ कर ले लेते हैं। न जाने तुम्हारी ये बदतमीजियां कब खत्म होंगी। चलो जाओ मेरे सामने से। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत आपके मान की वजह से मैं चुप हो गया, नहीं तो लाखन पर बंदूक उठाने वाले हाथ आज मैं काट के रख देता। लाखन, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? गांव जब सवेरे उठता है तो भगवान के बाद आप ही का नाम लेता है। इसीलिए तो और शर्म आती है, जगह जगह इसके कारण हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सब हमारे प्यार की वजह से है। बचपन से हम इसकी सारी जिदें मानते आए हैं, जिस चीज पर इसने हाथ रखा या तो हमने खरीद के दे दी या इसे छीन के ले ली। गांव वाले हमारी खातिर इसे टोकते नहीं, इसकी जितनी जिदें हैं, जितनी गुस्ताखियां हैं, जितनी बदतमीजियां हैं, सब की सब हमारे लाड़ की गोद में पली है। हमेशा से यही होता आया है ठाकुर साहब, बेटे को लगाम की जरूरत होती है, लेकिन दौलतमंद बाप उसके हाथ में सोने की चाबुक थमा देता है। हजामत हो गई क्या? अरे लाखन भैया, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। क्या बात क्या हुआ? तुम्हारी बहन का जो टीका है ना, वो तैयार हो गया। गौरी, अरे शांति, तू गौरी देख बिंदिया चल कैसे रही है। ब्याह का दिन जीजू पास आता है, कुंवारियों की चाल शराबियों जैसी हो जाती है, एक पाँव यहाँ गिरता है और एक पाँव वहाँ। मेरा बस चले तो शांति, मैं तेरी भी चाल ऐसी कर दूँ, लाखन भैया से तेरी शादी करके तुझे घर ले आऊँ। ओह गौरी, अगर क्या करूँ, तू बहुत बड़े ठाकुर की बेटी है और हम बहुत छोटे हैं। तुम्हारी हवेली का दरवाजा बहुत ऊंचा है शांति। सबकी बात तो बताती है गौरी, हाँ, लेकिन खुद की बात नहीं बताती। अरे मेरे मुंह बोले भैया अमर के साथ इसकी जो आंख मिचोली चल रही है ना, वो मुझे साफ पता है। क्यों गौरी कहाँ गई? जहाँ उसे जाना चाहिए वहीं। मुझे छोड़ जाना ना, मुझे तड़पाना ना, मुझे
मेरा जहान, ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ बोल मेरी जान। तू नींदों में सपने पे रो गया, उस दिन से मुझे कुछ हो गया। घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है, या तेरी याद है या तेरा नाम है। हर घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है। तेरे मिलने से धड़कन ने अंगड़ाई ली, दिल की तमन्ना हुई है जवान, मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान। तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते। खुल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते। मैं मोहब्बत के मालिक तेरा शुक्रिया, समझो अगर मेरे दिल की जुबान, क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। लाखन भैया से तेरी शादी करके तुझे घर ले आऊं, अगर क्या करूं, तुम्हारी हवेली का दरवाजा बहुत ऊंचा है शांति, और हम बहुत छोटे हैं। भैया, ओ भैया, आके खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है भूख? मर गई है तेरा इंतजार करते करते, यहाँ आटे की बोरियां लाते लाते कमर टूट जाती है, और तुम्हें दो रोटी लाने के लिए इतनी देर हो जाती है। वो भैया लकड़ियां गीली थी, इसलिए रोटी बनाते बनाते देर हो गई। हर रोज यही होता है, कभी लकड़ियां गीली होती हैं, कभी घर में तेल नहीं होता। मुझे इसी तरह मालूम है, तुम्हें रास्ते में देर होती है, घर में नहीं होती। बोलो, होती है कि नहीं? हाँ, आज तो हुई है भैया। वो क्या है भैया, वो रास्ते एक सहेली मिल गई थी। कौन सहेली? वो जो कसीदे का काम बड़ा अच्छा करती है। काती भी बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वही भैया। और बेचारी की आवाज जो है वो जरा मर्दाना है भैया। गौरी, ये देख, मैं चाहता हूं उस मर्दाना आवाज को हमेशा के लिए इस टीके में जड़ के तुम्हारी मांग में सजा दूं। भैया, अरे बचाओ, बचाओ, शेर, शेर, बचाओ, बचाओ, शेर, शेर, बचाओ। चंपा, कहाँ से? हुआ मेरे साथ, चलिए। अरे छोटे ठाकुर, रुको, रुको, छोटे ठाकुर, तुम कहाँ जाते हो? शेर को ढूंढने। अपने ई शेर को बुलावे के लिए। अरे कभी तो अपने शान के घोड़े से नीचे उतरा करो, और तनिक ऊ की तरफ भी तो देखो जो तुम्हारे रास्ते में पड़े हैं। चंपा, हम हजार बार कह चुके हैं, हमें तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। पर मैं तो पसंद हूँ ना। चंपा, हमारा रास्ता छोड़ती है या? अरे कैसे छोड़ दूं, तुम खुद ही तो हमका ये रास्ता दिखाए हो। तुम चाहे हमका लाख ठुकराए दो,
पर चंपा उदन कभी नहीं भूल सका। जौन दिन तुम देखता हूँ कौन इस हाथ को छुड़ा सकता है। अभी हम जिंदा हैं। लेकिन अब तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। माफ कर दीजिए सरकार। छोटे ठाकुर, ये लड़की तो है ही गांव की धूल। ना इसकी माँ का पता, ना बाप का पता, ना जात का पता, ना जाने किसका पाप है ये। छोटे ठाकुर, आज तो तुमने इसका हाथ छुड़ा लिया, कल कौन थामेगा इसका हाथ? मैं थामूंगा इसका हाथ। हाथ ही तेरा झटका ही कर रहा, तू ये बताओ ये हाथ थामे ही का है? अरे हाथ थामना एक बात है, हाथ थाम कर जिंदगी भर साथ निभाना दूसरी बात है, समझी? हमने उस दिन जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया, तेरी इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी हमदर्दी आज भी तेरे साथ है। बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो चाहेगी तुझे मिल सकता है। पैसा चाहिए? पहनने के लिए कपड़ा चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए? बोल। हाँ, हमका जगह चाहिए, बहु जगह जो हम तुमका दे रखे हैं, अपने सीने में अपना दिल में। हमका तो हाथ तरस नहीं चाहिए, हमका प्यार चाहिए, प्यार। वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। और हम ले के रहे बे, जो हमारा प्यार सच्चा हो तो एक दिन खुशी से तुम खुद ही हमारे हाथ थामे आई हो। अरे जब मैं ये जेवर उसके हाथ में दूंगा तो अपना उस्तरा छोड़ के तेरा हाथ मेरे हाथ में दे देगा। नमस्ते नटराजी। नमस्ते, आए क्यों? अरे बस एक अंगूठी बनवानी है। अरे मैंने कह दिया मैं हमेशा जनाना काम करता हूँ, चलो हार के पास। ओए ओए नथुआ, मेरा काम भी आज चिनाना ही है। तेरा काम जनाना? अरे बता कौन है जनाना? अरे वो अपना नाई है ना छज्जू राम, उसकी बेटी नथनिया। ये धमाका क्या था? धमाका उधर नहीं है, धमाका इधर है। पहले आते थे एक के दो नजर, अब कुछ नजर नहीं आता। अबे सब कुछ तो दिख रहा है, सही जगह बैठ गया। मर गया तरफ नाल। अरे अरे मर गया मैं। अरे मेरी आंखें चल रही है मेरी। अरे मेरी चल रही है। अरे कसम फूकने की, अभी तेरी आंखों में ठंडक डालता हूँ। अरे ठहर जा। अरे मर जा मैं। अरे मेरी आंखें जल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है तो ठीक है। अरे कुर्सी का चली गई। ठीक है, ये जो हाथ है। अरे हाथ है, ये तो हाथ है। अरे हाथ है, अरे हाथ है, अरे हाथ है। अरे ये भेंडा कहाँ से आ गया? ये की माँ ने उसकी शादी के लिए जो दहेज बनाया वो सब का सब चोरी हो गया था। बाहर से आए हुए चोर डाका डाल सकते हैं, तो गांव वाले मेल मिलाकर उस घाटे को पूरा भी कर सकते हैं। यही तो हमने किया है ठाकुर साहब। हम सब ने मिलकर बिंदिया की शादी के लिए कुछ कपड़े और जेवर इकट्ठा किए। हम चाहते हैं कि पहले आप इन पर हाथ रख दें और फिर हम इसे ले जाकर उसकी माँ की चोरी में डाल दें। अचानक ठाकुर साहब को क्या हो गया? आप सब लोगों के सामने पहली बार हुआ है, मैं तो कब से देख रही हूँ। ये जब भी कोई दुल्हन या लाल जोड़ा देखते हैं तो उनका यही हाल हो जाता है। यहाँ तक कि मेरी शादी में मुझे इन्होंने लाल जोड़ा पहने नहीं दिया था, क्योंकि इसे बदशगुनी समझते हैं। मगर क्यों? एक लंबी दुख भरी सच्चाई है। आज भी उसकी याद
हमें पागल बना देती है। वो दिन हमारी बहन की शादी का दिन था। दुल्हन ने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। बारात बड़ी धूमधाम से आ रही थी। अचानक दूल्हा घोड़े से गिर गया और उसके सूमो के नीचे आकर मर गया। ये खबर बिजली की तरह गांव में पहुंची है। बिजली की तरह दुल्हन के दिल पर टूटी। आन की आन में सारा नक्शा बदल गया। दूल्हे का सेहरा उसकी अर्थी का श्रृंगार बना। जो लाल जोड़ा पहने ब्याह की वेदी पर बैठने वाली थी, उसी लाल जोड़े के साथ जलती हुई चिता में रखी गई। ठाकुर साहब, नहीं नहीं, नहीं। ठाकुर साहब, तब से जब भी ये ब्याह का लाल जोड़ा देखते हैं, इनका यही हाल हो जाता है। अमर, बिंदिया के सर पे बाप का साया नहीं है, इसलिए ब्याह और बारात का सारा खर्चा हमारे जिम्मे होगा। ओ भैया, आओ आके खाना खा लो। अरे बिंदिया, तुम आज तुम्हें किसने आने दिया पगली? कोई मेहंदी वाले हाथों से घर से बाहर जाता है? हा? अब तो मैं जा ही रही हूँ भैया, घर छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। सोचा जाने से पहले आखिरी बार तुम्हें अपने हाथों से खिलाती जाऊं। इतना प्यार तो सगी बहन भी नहीं करती। मैं तो धर्म का भाई हूं तुम्हारा। धर्म का रिश्ता जन्म के रिश्ते से भी बड़ा होता है, लेकिन तुमने जिस तरह ये रिश्ता पाला है, और कितने भाई पालते हैं। खाते खाते हाथ क्यों रुके भैया? कल का ख्याल आ गया। जब सहेलियां तुम्हें सजाएंगी, डोली में बिठाएंगी, कहर कंधे पर उठाकर एक घर से दूसरे घर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। इस बात से दुखी हो रहे हो? विदाई तो कल है, तुम आज ही रो रहे हो। नहीं, मैं तो विदाई में भी नहीं रहूंगा। अरे पगली, बहनें और बेटियां तो कर्ज होती हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो कर्ज उतारते वक्त रोते हैं। मैं तो हंसूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा।
नहीं कोई बेगाना के रूप का नजारा ले गया है, के रूप का नजारा ले गया ले गया। तू जलता है क्यों रे दीवाने दीवाने, तू जलता है क्यों रे दीवाने, ये वो क्या तुम्हारा ले गया है, ये वो क्या तुम्हारा ले गया ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, जवानी तेरे किस काम की, इसे मेरे ही तो नाम लगा दे, जवानी तेरे किस काम की। दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की बस की। आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं है, तो कल से मैं तौबा कर लूं कर लूं। साल सत्रह संभाला इससे मैंने, वो मैंने साल सत्रह संभाला इससे मैंने, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं है, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं सौंप दूं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, होठों से लिपट जाऊं सजनी मैं सुर्ख का रंग बन के है, तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी मैं सुर्ख का रंग बन के। तेरे जैसे कोई लुट गए कुंवारे पायल मेरी जब चमके जब चमके। गोरा रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग बैरी हो जाए है, के सारा जग बैरी हो जाए हो जाए। सारे जग से निपट लूं अकेली अकेली, सारे जग से निपट लूं अकेली, के पहले तू जो मेरा हो जाए है, के पहले तू जो मेरा हो जाए हो जाए। छोड़ो झगड़े मिला लो दिल को, ओ छोड़ो झगड़े मिला लो दिल को, तेरे घर में उजाला कर दे, तेरे घर में उजाला कर दे, तू ले जाए से दूल्हा बन के है, तू ले जाए से दूल्हा बन के दूल्हा बन के। ओ चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई, पी की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई।
दुनिया बसी है और भाई उदास है, क्यों? नहीं तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी बिंदिया के माथे की बिंदिया हमेशा लाल और चमकती रहे। ये तूफान कैसा? धोनी का क्या होगा? भयंकर तूफान आया है, चले कोई हिलक दो। टोली क्यों रख दी? दुल्हन गायब है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो और वो कौन है? उसने तो सिर्फ हमें एक बार बनाया है और हम सब उसे रोज बना रहे हैं। 32 बार निकाल दूंगा। साफ साफ बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खूनी को ढूंढ रहा हूँ। जो खूनी अंदर बैठा हुआ है उसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो? अंदर बाहर के बच्चे, ये तेरी मुट्ठी में क्या है? ये बंद मुट्ठी का खेल है, इसे इसे बंद रहने दो। दिखाता है नहीं, नहीं, नहीं। इंडिया की बाली तो तू ही है वो डोलियों का लुटेरा, कातिल, कमीने, चल। करो तुम, ये बाली कहां से मिली बताओ? क्यों बताऊं? सच सच बताओ ना, ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। ऊपर वाले ने कहा है अभी तक मेरा वक्त नहीं आया है, ये जो लोग मेरी जान नहीं ले सकते। सब पागल हैं। पिताजी, जब तक इसके मुंह और कान से खून नहीं निकलेगा तब तक ये खूनी खून का इकरार नहीं करेगा। ये बाली मेरी दुकान से चुरा के लाया, ये बेचारा पागल है। मगर ये बाली तो बिंदिया की है। सरकार, मैं तो बरसों से एक ही नमूने की बाली बनाता हूँ, ये देखो ये रही दूसरी वैसी की वैसी। इसका मतलब है खूनी कोई और। खून किसने किया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन मेरी बहन का ये आंचल मिला जिसे जिसे ओढ़कर वो डोली में बैठी थी। ये आंचल कहां मिला तुम्हें? मंदिर के पीछे झाड़ियों के पास, और वहां जानवर के पंजों के निशान भी। नहीं।
है बाबू, मैं चलता हूँ। ऊपर कुत्ता और नीचे सांप, तेरी पीछे क्यों पड़े हैं? कौन हो तुम? पास वाले गांव में रहता हूँ, मेरा बापू अंधा है, वैद्य है, जड़ी बूटी तलाश करने आया था। जड़ी बूटी तलाश करने आया था क्या? तेरा हाथ बहुत मजबूत है, आज तू ना होता तो अपनी जान चली जाती। क्यों, मौत से डर लगता है? मौत से तो हर एक इंसान को डर लगता है, लेकिन आज अपनी मौत का नहीं तुझसे मुलाकात का दिन था। अरे वाह लौंडे, जवाब नहीं तेरा, चला जा। ये क्या कर रहा है उस्ताद? अभी बताता हूँ। ये क्या करता है तू? ए यूं पकड़, जोर से। अब क्या होगा, यूं ही लटके रहेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे? अरे हौसला रख यार, मर्दों की छोकरी की तरह घबराता है तू? अरे हौसला तो बहुत है, तू कहे तो जिंदगी भर यूं ही लटके रहेंगे। रुक जा। अरे वाह, बंदूक भी रखते हो, क्या बात है लौंडे तेरी। और सुन, अब कभी ऐसा खतरा पेश आए तो अपनी बंदूक से दो गोलियां चला देना और तेरा यार तेरे पास होगा। तू भी दो गोली चलाना, मैं चलाऊंगा। ये हुई ना मर्दों की बात। तूने ये नहीं बताया तू इस जंगल में किस लिए आया था? मैं एक ऐसे खूनी की तलाश में आया था जो डोलियां लूटने के बाद ना जाने कहां गायब हो जाता है। अरे मेरे बांजे की सवारी आ रही है, बांजे की। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर। तो फिर से आगे मेरा रास्ता रोकने के लिए? रास्ता रोके नहीं, नजर उतारे तो हार बलैया ले दे। सबसे बड़ी बला तो तू है जो मेरी जान से चिपटी है। ओए होए, तनिक एक बात चिपका के तो देख जालिम, राम कसम सारी दुनिया भुलवाई दूंगी। अरे हट, मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। पहले ये तो खा लो। ये क्या है? दही, मंदिर में मन्नत मांग के आई हूँ, मुकाबले में तोहरे जीत हुए। जो मर्द होते हैं वो मुकाबला अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से जीतते हैं, इन फिजूल की मन्नतों से नहीं। हट। छोटे ठाकुर, आज का मुकाबला बहुत जबरदस्त है, दूर दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं। घबराओ नहीं मामा, रास्ते में जो भी आएगा कीड़े मकोड़ों की तो मसल दिया जाएगा। चेहरा, ये किसको मसलने की सोच रहे हो? नहीं लाखन जी, ये तो मुकाबले की बात हो रही है। तुमने तैयारी करी लाखन? मर्द तैयारी नहीं करते शेरा, हमेशा तैयार रहते हैं। तुम अपनी कहो। तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी नहीं। कहो तो ये खेल यहीं से शुरू कर दें। इनकार किसे है लाखन? ठीक है, दो मील पे अंधी खाई है, देख लेते हैं पहले कौन पा करता है। अरे भांजे, अरे लाखन का ढक्कन खोल कर दिखा दे। शाबाश। छोटे ठाकुर, आपकी हार सिर्फ मैंने देखी ढक्कन खोल के। छोटे ठाकुर, ये राज सिकंदरिया के सीने में छुपा हुआ है या इस लाठी के पेट में। मामा, हमें अपनी हार मंजूर है लेकिन धोखेबाजी नहीं। जो मर्द होते हैं वो अपनी छाती में वार तो सह सकते हैं लेकिन दूसरों की पीठ पर छुप के वार नहीं कर सकते। सबसे पहले
लाठी का मुकाबला होगा। पांच जवान इस तरफ और पांच जवान दूसरी तरफ। मुकाबला शुरू। ठाकुर साहब, पांच के मुकाबले में पांच, ये कोई मुकाबला ना हुआ। ये दस एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, और वो भी बगैर लाठी के। के साथ मुकाबला करना चाहता है? शाबाश लाखन, तुम हमारे गांव की शान हो। इस इनाम के हकदार तुम। ठहरिए, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ पिताजी। लाखन को इनाम लेने से पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। मुझे मंजूर है। अब आखिरी मुकाबला होगा। रस्से के बीच जहरीला खंजर बंधा हुआ है, जिसके छू जाने से जान भी जा सकती है। जो इस खंजर को हासिल करेगा, जीत उसी की होगी। सारा खेल खराब कर दिया।
प्यार से बुलाकर यूं गुस्से से क्यों देख रहे हो? ये हाथ जो दोस्ती में मिले थे, जी चाहता है नहीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूं। घोंट दो ना, लेकिन इतना तो बताओ मेरा कसूर क्या है? जो सर सिर्फ माँ के चरणों में झुकता है, तुम्हारी वजह से आज सबके सामने झुक गया। ये दोष मेरा नहीं है, इस दिल का है, मेरे प्यार का है। प्यार? सोच लो, प्यार की मंजिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं और जग छोड़ना पड़ता है। देखा नदी से आग का एक शोला उठ रहा है। सचमुच बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है तुम्हें। मेरा रास्ता छोड़ो। नदी सामने हो और हम पैसे ले जाएं, ये कैसे हो सकता है? नहीं। मेरी बात सुनो रेशमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच? तो बारात लेके कब आवत है जलेम? तू? हाँ मैं। कितनी बार कहा है कि तुम जहाँ भी जाओगे हम कब आओगे? अरे एक दफा मान काहे ना ही ले, ये हम ही तुम्हारी किस्मत और तू ही हमारा नसीब। जो सही मायने में मर्द होते हैं वो नसीब के गुलाम नहीं होते, समझे? हाँ, मगर तुम तो वो हो जो कांटा में फंसी हुई मछलियों को छोड़ के उड़ती हुई तितलियां के पीछे भागत हो। अरे तुम सर पटक पटक के मर जाओगे पर वो हाथ नहीं आने वाली। हाँ, हमारी आंखें जिसे एक बार चुन लेती है, दिल जिसे अपना लेता है, उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। शुक्रिया कहूँ, धन्यवाद कहूँ या क्या कहूँ? कुछ न कहो तो अच्छा है, हम किए ही का है। तूने से मेरी जान छुड़ाई है, हम तो हाँ जान छुड़ाई होगी और अपनी जान बचाई है मैंने, तू ना ही समझोगे।
मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मंजूर है ठाकुर साहब, मंजूर है, सर आंखों पर मंजूर है। तो फिर लीजिए, ये कंगन मेरी बहू को पहना दीजिएगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, पहना दूंगा ठाकुर साहब, जरूर पहना दूंगा। आज से मेरी बेटी आपकी बहू हुई ठाकुर साहब, आपकी बहू हुई। यार आज सारे पुराने गिले शिकवा भूल कर गले लग जा। शाबाश। लेकिन शेरा आज बात क्या है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। यार खुशी तो इतनी है कि यूं समझ लो हमने चांद में पींग डाल दी है। आसमान में फूल खिला था, हमने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लिया। मैं नहीं समझे लाखन भैया, मेरे भांजे की मंगनी हुई है। मंगनी? लेकिन किससे? पहले लड्डू तो खा ले यार। अच्छा अब तो बता किससे? वैद जी की बेटी रेशमा से। मामा, मामा इसे लड्डू खिलाओ। क्यों चंपा, हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक नहीं होगी तू? हमने हवा में उड़ती उस तितली को पकड़ लिया है, ये ले, लेना ले। दुनिया के तारनहार सब कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो बकदू हमारे हाथ था में, वो भी तोहरी मर्जी रही, और आज वो हमारे हाथ चटक दिए, ये भी तोहरी मर्जी है का? नहीं नहीं प्रभु, दुनिया मानत है कि जे का कोई नहीं होगा तुम हो, तो अब तो तुम ही हमार माए बाप हो प्रभु। अब हमार बन के दिखाई दो, हमार बन के दिखाई दो प्रभु। जो तो हमार ना ही बने तो हम समझ गए कि जैसे तुम्हारा शरीर पत्थर का हो, वैसे तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो। फिर हम करो तुम्हारा आसमान चाहिए, न कैलाश चाहिए, न गंगा चाहिए, डूब भरे के लिए छोटा सा कुआं बहुत हो। सारे गांव में लड्डू बट रहे हैं, और तुम्हें मालूम नहीं? कैसे लड्डू? मंगनी के। किसकी मंगनी के? तुम्हारी मंगनी और किसकी? क्या कह रहे तुम? जो सारा गाँव कह रहा है, तुम्हारी मंगनी शेरा से पक्की हो गई। ये नहीं हो सकता, किसी ने कहने में भूल की होगी, तुमने सुनने में भूल की होगी। मैंने सुनने में नहीं, तुम्हें समझने में भूल की है। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मंगनी कर दी हो और तुमसे पूछा तक ना हो। मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध लग गई, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन रखो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बापू। मुझे ऐसे आदमी के साथ ना बात जिसे मैं प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने ठाकुर साहब को वचन दिया है, और ठाकुरों को दिया हुआ वचन भगवान की सौगंध से कम नहीं होता। तुझे ये ब्याह करना ही होगा, ये मेरा हुक्म है। तू हुक्म दे सकता है, तूने मुझे जीवन दिया है, मेरी जिंदगी, मेरी जान, तेरा उधार है ना मुझ पे। ठीक है, मैं कंगन पहनूंगी। मगर जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी लाश पहने की, मेरी उस घर में डोली नहीं आंखी जाएगी, आंखी जाएगी, आंखी जाएगी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैंने जो कुछ सोचा था गलत सोचा था, मैं अपने वचन पर तुझे बलि नहीं होने दूंगा। मैं ये कंगन ठाकुर साहब को लौटा दूंगा बेटी। हाँ लौटा दूंगा, लौटा दूंगा। क्या बात है लाखन, बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे खुशी तो इतनी है, बस यूं समझ लो कि हमने भी चांद में पींग डाल दी, आसमान पर फूल खिला था, हाथ बढ़ाया और यूं तोड़ लिया। तुम्हारी मंगनी हो गई क्या? मंगनी से भी ज्यादा यार, ले पहले लड्डू तो खा ले। आखिर ये तो बता लाखन, खुशखबरी क्या है? किसी की मंगनी टूट गई है। किसकी मंगनी? तुम्हारी।
गई ना तितलिया। चंपा, ऊपर वाले के यहाँ देर हो, अंधेर नहीं। चलें। प्रभु हमको माफी दे दो, हम गुस्से में आके तो उसे झगड़ा किए, पर तुम ही बताओ तुम्हारे सिवा हमार है भी कौन, झगड़ा भी तो अपनों से किया जाता है ना। प्रभु आज तो हमार आधा काम कर दिए, अब वो के पूरा कर दियो ना। ये काम में तिजोरी वापस नहीं रखे जाएंगे, ये उन्हीं हाथों में पहनाए जाएंगे जिनके लिए तुमने बाहर निकाले थे। नहीं शेरा, तुम पराई बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और पराई बेटी वाले हमारी इज्जत के साथ खेल सकते हैं? नहीं मां, नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शेरा के अरमानों को ठुकरा सके। अब हमारी जिद है और देखता हूँ शेरा की जिद से कौन टक्कर लेता है। गौरी देखो मैं, मुझे पहली बहुत देर होगी, भैया नाराज होगी, मुझे जाने दो। सुनो तो, अपने सपनों का महल तैयार हो गया है, आज रात का मुहूर्त है, आओगी ना? आऊंगी, लेकिन जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बना कर लाओगे तभी पड़ेंगे मेरे कदम उस चौखट पर। पहले भैया से चलकर बात तो कर लो जिसकी तुम्हें आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। ये बात है तो अभी चलता हूँ, ऐसी बात करूंगा कि तुम्हारे भैया भी चकरा जाएंगे। गौरी तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी हिम्मत नहीं देखी, मेरा हौसला नहीं देखा, चलो। भैया। हाँ भैया, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे? हाँ। कौन मिलने आया है? वो देखो। अरे अमर मेरे दोस्त, तू वहां क्यों खड़ा है? चल कूद जा, सामने समंदर थोड़ा ही है, नाला ही तो है, कूद जा। शाबाश। क्यों मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ? वो भैया। हाँ। ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे? तो फिर बोलो। मालूम होता है गले में अटक गई है। हा? गले में अटक गई है? अरे मेरे दोस्त, गला जरा करके साफ कर लो और बोलो। बात यह है कि गौरी मुझसे प्यार करती है, मैं गौरी से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गौरी से शादी करना चाहती हूँ, गौरी मेरे से शादी करना चाहती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने एक घर बनाया जिसमें गौरी मेरे साथ रहना चाहती है, मैं गौरी साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे साथ रहना चाहते हैं। पूछ लीजिए ना गौरी से। गौरी मुझे सब कुछ बता चुकी है और मेरे दोस्त ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, गौरी का ब्याह वही होगा जहाँ तुम्हारे पिताजी तय कर गए हैं। तुम भी कौन सी पुरानी बात ले बैठी हो माँ, जब ये रिश्ता तय हुआ था उस वक्त गौरी गुड़ियों से खेलती थी। तुम्हारे पिता का वचन जिस वक्त भी दिया गया मेरे लिए वो बहुत कीमती है और वो टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन तुम ये तो सोचो माँ, गौरी अमर से प्यार करती है। प्यार दिल का उछाल होता है, मगर ब्याह एक धर्म होता है, एक यज्ञ होता है। इस दुनिया का अजीब दस्तूर है, जो लोग जिंदा हैं उन पर मुर्दे राज करते हैं और मरे हुए के शब्दों की चिता में जीती जागती देवियों को जलना पड़ता है। मुझे माँ की मर्जी मालूम है, भैया की मजबूरी मालूम है। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, अपना कोई फैसला नहीं, तुम्हारी नकल जिसके हाथ में दे दी जाएगी उसके साथ चली जाओगी, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होगा। होगा मर, दिल पे छुरियां भी चलेंगी, आंखों से खून भी बहेगा, लेकिन माँ के हुक्म के सामने होंठ सिले के सिले रह जाएंगे। हजारों साल से यही होता रहा है मर, लड़कियां प्यार करती भी रही है, अंदर घुट घुट कर मरती भी रही है, लेकिन फिर भी डोलियों में बैठती रही है जैसे मैं बैठूंगी। माँ बाप का इतना जोर होता, प्यार का कोई अधिकार नहीं। अमर मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ और ब्याह कर लो। जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा, तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी। तुम सब लोग
मेरी बताई हुई जगह पर दूर दूर तक फैल जाना और मेरी गोली की एक आवाज पर चारों तरफ से घेरा डाल लेना। टोलियों का लुटेरा अब बचकर कहीं नहीं जा सकता। सब काम बड़ी होशियारी के साथ हो जाना चाहिए। ख्याल रहे, इस बार लाखन की बहन की शादी है और डोली इस बार किसी भी हालत में। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की जरूरत आई। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की जरूरत आई। साले कोनी लुटेरे, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं भैया नहीं, इन्हें मत मारो भैया। भैया जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा, तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी। अमर गौरी कहाँ है? गौरी के गिर्द आप लोगों ने पहरे खड़े कर दिए थे, चारों तरफ हथियारों की दीवार चुन दी थी, बंदूकों की नालियां भर दी थी बारूद से, फिर भी मैं अपनी दुल्हन को ले आया। तुम अपनी आवस में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने एक सुहागन के हाथों में मेहंदी नहीं देखी।
तुमने हमारे खानदान की इज्जत नहीं देखी और तुमने इस यार की यारी नहीं देखी। बस उठा ले हाथ में मशाल और एक ही वार में सब कुछ जला डाला, फूंक डाला। अमर, मैं अपनी बहन को वापस ले जाने आया हूं। अगर वापस न करूं तो फिर समझ लो तुम्हारे खून के छींटे उड़ेंगे इन दीवारों पर। आपकी कोई भी धमकी अब काम नहीं करेगी। मैं ये तमाम हदें पीछे छोड़ आया हूं। आप में हिम्मत है तो मेरी गौरी को मुझसे छीन कर दिखाइए। हट जाओ मेरे सामने से। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे सुहाग का कमरा है और आज की रात हमारी सुहाग की रात है। मैं कहता हूं हट जाओ। अमर, आपने क्या समझा? गौरी आपको कमरे में मिलेगी, चार दीवारी में बंद। गौरी को मैंने कैद कर रखा है। आपने अपने दिल में, जिसके दरवाजे आप नहीं तोड़ सकते, आपका समाज नहीं तोड़ सकता। गौरी आपको कभी नहीं मिलेगी। गौरी आपसे बहुत दूर चली गई है, मेरे खून में मिल गई है, मेरी सांसों में समा गई है। गौरी, 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 चलो गौरी के पास। कसम फूकने की, बड़ी खुजली है। पहले मेरी दाढ़ी बना लो। हम दो घंटे से यहाँ बैठे हैं। कितने सेकंड लगेंगे जी? अबे डेढ़ घंटा लगेगा। डेढ़ घंटा? हाँ, डेढ़ घंटा लग जाएगा ना, काम हो जाएगा मेरा। कोई फिक्र नहीं, दो घंटे लगाओ। अच्छा, ये रोज आता है, टाइम पूछ कर चला जाता है, फिर पलट कर नहीं आता। ये बात है, है? तो आज मैं तरमनाल देख ही लूं ये किधर को जाता है और किधर को आता है। तुम बड़ा चालाक है। अरे मेरी चालाकी तो शादी के बाद मालूम होगी। लखनिया चालाकी, बापू आ गया। बापू आ गया? बात बता। क्या? ये सुनार का बच्चा रोज तेरे बापू की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बहाने से जाता है। अच्छा? हाँ, और वहाँ जाके वक्त लेके तरमनल वापस नहीं आता। अच्छा, पता नहीं किधर को जाता है। गल सुन, तू बता सकती है किधर को जाता है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या, यहाँ नहीं आता। नहीं मालूम। बाबू क्या, तू आ जा।
अरे 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 आस्ते 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 ये ले पानी 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 पानी। अरे हाथा क्यों है, कुछ पता चला? क्या शत्रुघ्न जी? हाँ जी। आता है दुकान से, हाँ। जाता है मकान में। किसके? तुम्हारे। मेरे? कैसे? ये फुगनी आपके घर में मिली तरमनाल। अबे सुनार के बच्चे, मैं तेरा गला घोट दूंगा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ महाराज, क्या बता सकते हैं कि पाप क्या होता है? जो पाप करता हुआ पकड़ा जाए वो पापी, जो ना पकड़ा जाए वो साधु। आपने ये बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया महाराज। वैसे संसार में कौन पापी नहीं है? मैं पापी, आप पापी जी, सारा संसार पापी है। अरे बारे ऊपर वाले, आज देख लिया तेरा कमाल। गूंगे रामायण की कथा सुना रहे हैं और बहरे सुन रहे हैं और सुनकर खुश हो रहे हैं। सब पागल है। एक दिन तो मेरा खाना लेके जरूर आएगी, जरूर आएगी। इतना इंतजार किया मैंने तेरा। तुमने आज गले से लगाया तो ऐसा लगा जैसे सूखी खेती हरी हो गई, बुझे हुए दीप जल गए, बांसुरी जो सुनी पड़ी थी गीतों से भर गई। अब चलो खाना खा लो। शांति, आता हूँ। कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं? वैद्य जी यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? दरवाजा खटखटाते हैं और फिर बोलते भी नहीं। अरे क्या हो रहा बेटी? जा रही हूँ बापू। गनी के उस नुक्कर पे बहुत बड़ा मकान है रेशमा, जहाँ जिंदगी के तमाम सुखों के साथ साथ शादी का एक लाल जोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये कंगन तुम्हारे हाथों की शोभा बने। ये कंगन पहले भी भेज चुके हूँ, मैं लौटा चुकी हूँ, और ना करके हाँ करना मेरी आदत नहीं। और हाँ करके ना करने की मेरी आदत नहीं है। कोशिश मत करो, प्यार से कहता हूं ये कंगन पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी ये कंगन। तो फिर ये हमारी भी जिद है, आज ये कंगन तुझे पहना के ही रहेंगे। नहीं, छोड़ दे मुझको बदमाश। मैंने कह दिया ना, तुम्हारी ये बात कभी पूरी नहीं होगी। हम जो सोचते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। क्या हो रहा है? मुझसे क्या पूछते हैं आप? उससे क्या पूछते हैं? इससे पूछिए। बताओ बेटी, क्या बात है? ठाकुर साहब, पहले आपके बेटे ने मेरा रास्ता रोका, फिर जबरदस्ती। जबरदस्ती? तुमने? शेरा,
आज तुमने ठाकुरों का नाम मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर हमेशा बेबसों की इज्जत बचाते आए हैं, रक्षा करते आए हैं, और तुम ठाकुरों के नाम पर एक कलंक। पिताजी, तुम अपनी हवस में यह भी भूल गए कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी शराफत है, हमारी इज्जत है, और आज तुमने उसी को लोगों की जूतियों के नीचे रख दिया। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे ठाकुरों की इज्जत पे आ जाए। पिताजी, ये सारे इल्जाम झूठे हैं। तुमने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की, क्या ये झूठ है? नहीं, ये सच है। लेकिन आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने मेरे प्यार को, मेरे मान को गाली नहीं बिताई। मैं तेरा बेटा नहीं हूं। दबाओ जा यहां से, दबाओ जा। पिताजी, बेचारे मैंने कौन से पाप किए जो ये दुशासन मेरे घर पैदा हुआ। चलिए पिताजी, चलिए। सुनिए, शांति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बच्चे गलतियां करते हैं, बड़े माफ कर देते हैं। नहीं ठकुराए, नहीं, हर बात की हद होती है। एक तरफ शेरा है जिसने आज हमारी शान, हमारी इज्जत का चिराग बुझाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ लाखन है जो न सिर्फ अपने घर का बल्कि सारे गांव का चिराग है। ठकुराइन, लाखन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सारा गांव जानता है लड़का अच्छा है, लेकिन ये आप सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी शांति अब बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले नहीं करने। मैं समझी नहीं। मैं समझता हूँ शांति लाखन को पसंद करती है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? तुम क्या समझती हो, ये बाल हमने धूप में सफेद किए हैं? हम तो आंखों की भाषा दूर से पढ़ सकते हैं। चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो अपनी शांति की आंखों में। तुम ठाकुरों के नाम पर एक कलंक हो। तुम अपने हवस में ये भी भूल गए कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी शराफत है। बाहर निकल, बाहर निकल। अरे वैद्य जी, आप तो खरगोश की तरह भाग रहे थे। कुत्ते जो पीछे लगे हुए थे। अब तो आप अंधे हैं नहीं, अंधे बने हुए थे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस राज को राज ही रहने देना, वरना ये गांव वाले मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। ठीक है वैद्य जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये राज हमेशा राज रहेगा। लेकिन ख्याल रहे, एक काम हम आपका कर रहे हैं और अब आपको एक काम हमारा करना होगा। वो क्या? आपको अपनी बेटी की शादी हमसे करनी होगी। कहिए, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो फिर शादी फौरन हो जानी चाहिए। आइए। के घर छोड़ शादी करेंगे तब। चंद्रो गजाननम द्वादशे तान्नामानि यह पठे श्रीजादि विद्यारम्भे विराय प्रवेशे निगमिता। वैद्य जी, लगन का समय बीता जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। आइए चाचा जी। भाभी, सुषमा हमें भी वैद्य जी ने बुलाया है। और क्यों बुलाया है? अरे अंधे की बातें अंधा ही जाने। मैंने आप लोगों को आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि आप सबको बता सकूं कि मैं आपका गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, पापी हूँ। सबसे पहला पाप मैंने जो किया है
वो ये कि मैं अंधा नहीं हूं। इसमें क्या है वैद्य जी? मेरे कर्म है ठाकुर साहब, मेरे पापों की कमाई। ठाकुर साहब मैं चोर हूं, पापी हूं, हत्यारा हूं। आप मुंसिफ हैं, बड़े हैं, आप मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए ठाकुर साहब, सख्त से सख्त सजा दीजिए। उठो वैद्य जी, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई है। तुम्हारी आंखों से पश्चाताप की ये जो गंगा बह रही है उससे तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। लखन बेटे, रेशमा को स्वीकार कर लो बेटे। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दुख की आग में जलता है तो आंसू बनकर बहने लगता है आंखों से। लेकिन बेटी, दिल से बढ़कर एक और चीज भी है, और वो है धर्म। जो आदमी अपने दिल को धर्म की वेदी पर बलिदान कर देता है वो बहुत बड़ा काम करता है बेटी। इसलिए हमने फैसला किया है बेटी कि तुम्हारी शादी श्यामपुर के ठाकुर रणजीत सिंह के बेटे के साथ कर दी है। आप मुझे धर्म की बात की है पिताजी, मेरे दिल ने समझ ली है, मान ली है। आपने जो फैसला किया है मुझे मंजूर है, उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है पिताजी। हाय हाय, लड़कियां पर जोर नहीं चला तो लकड़ियां काटे लग गए। अरे तोहरे खून में जान गर्मी है ना, वही बेचारे पेड़ पे कुल्हाड़ी चलावे से नहीं उतरी। अरे एक बारी हमरे प्रेम की छैया तले बैठ के तो देख, अंगारन का फूल बना दूंगी जालिम। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये मेरी बहन गौरी का टीका है। गौरी का टीका? हाँ, ये टीका यहाँ से मिला है तो इसके आसपास कोई और निशान भी मिलना चाहिए। अरे लाखन, ये जूता किसका हो सकता है? जिसका ये जूता है वही खूनी भी होगा। मांगो चमार, गौर से जूते को देखो, बताओ किसका है। मैं नहीं जानता माई बाप। तुम जानते हो मंगू, बताओ ये जूता किसका है। तुम डरो नहीं मंगू, कोई भी तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठा सकेगा। मुझे झंझट में मत डालिए सरकार। सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये जूता मैं पुजारी जी का। पुजारी, ये जूता किसका है? मेरा। तो फिर हो गया फैसला, मेरी बहन के कातिल तुम ही हो, टोलियों के लुटेरे भी तुम ही हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरी पूजा करूंगा पुजारी, आज तेरे माथे से ये चंदन का टीका मिटाकर तेरे ही खून से तेरे माथे पर लकीर खींच दूंगा। अरे ठाकुर, क्या तुम भी वही समझ रहे हो जो ये समझ रहे हैं? तुम तो जानते हो कि मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूं पाखंडे। निर्दोष,
छोड़ा था। मैं सच कहता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हर खूनी यही कहता है, लेकिन आज आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं लाखन, नहीं। छोड़ दे। खूनी लुटेरे, उठ, उठ। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हैं ठाकुर साहब, धर्म के रक्षक पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। पापी को अपने पापों की सजा इसी संसार में मिलती है पुजारी। मैं पापी नहीं, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष। अगर तुम निर्दोष हो तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। शिवशंकर, बम्बम महादेव, बम्बम भोले। शिवशंकर, मैंने सारी जिंदगी तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, लेकिन आज लोग मुझे पुजारी नहीं, खूनी बुला रहे हैं। खूनी, मुझे निर्दोष साबित करने के लिए प्रकट हो जा प्रभु शिवशंकर, प्रकट हो जा। आज तुझे प्रकट होना पड़ेगा, तुझे प्रकट होना पड़ेगा। ऐसा ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान और भक्त एक होते हैं, भक्त तो भगवान का टूटना था टूट जाएगा। प्रकट हो शिवशंकर, प्रकट हो भोलेनाथ, प्रकट हो भोलेनाथ। खूनी और पापियों के लिए भगवान कभी प्रकट नहीं होते। आज मैं इस त्रिशूल से तुम्हारा पाखंड हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पुजारी जी, हम सबसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। बम बम महादेव, बम बम महादेव। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मेरे होते हुए तुझे डर लगना चाहिए ना, सर्दी लगनी चाहिए। मैं तो एक कंबल हूँ, आ गले लग जा। मेरे कंबल। नथनिया दरवाजा खोल। मर गए बापू। बापू, नथनिया दरवाजा खोल। बापू, काला उसका। हाँ। किधर छुपू, किधर छुप जाऊँ, खटिया की नीचे। अरे यहाँ नहीं, इधर नहीं, तुम अंदर चल जाओ। अंदर 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 किधर है, अंदर किधर है। राम जी, दरवाजा नहीं खुल रहा, अंदर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। तू चुप मार, नहीं तो तुझे खचक कर दूंगा। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्या कर रही थी? आंख लग गई थी। आंख लगी थी किससे? मैं क्या कर रही है? आज मैं उस सुनार के बच्चे को सूरदास बना दूंगा। सूरदास, कुछ नहीं हुआ। अब वो फुकनी के नहीं पप्पू, यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं पप्पू, यहाँ कोई भी नहीं है। बापू, मत पहले ये बता कि बात क्या है। बात कल रात की है। मेरा डोला उठा, बजा बजा बजा। चार टांग के घोटे पे तो टांग का दूल्हा था, दूल्हा था। रो तो तुम, रो मत, फिर क्या हुआ? फिर धमाका, धमाका हुआ, फिर क्या हुआ? फिर दो टांगों वाला नीचे था और चार टांग वाला ऊपर था। तब से मैं विधवा हो गई। विधवा से शादी कौन करेगा? कौन करेगा? तू खरीदी यहाँ क्या कर रही है? जा, इसके लिए ग्लास दूध ले आ, गरम ना गरम। डाल ग्लास लेना, शक्कर भी डाल देना। मैं कर रहा हूँ, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, मेरा हाथ, मेरा हाथ। हाय हाय, क्या सूरत है, क्या रखे हैं? अभी तो बंद है, तो खोलो ना। कसम उस तरह की, मैं तुम्हारी तन मन धन से सेवा करूंगा। तो कंवर जी, हाँ जी, कोई निशानी दो ना। अरे मेरी जान ले लो ना। अरे वो तो मैं ले ही लूंगी, पर अभी तो कुछ दे दो, ये उस तरह दे दो ना मुझे। उस तरह ले लो। हाय हाय, अब तुम भी कोई निशानी दो ना। देती हूँ, पहले आंखें बंद करो ना। आंखें ले लो। हल्के हुए? ये तो बहुत हल्का हो गया। मेरे मुँह से गोरे गोरे मुखड़े पे काली काली मूछ अच्छी नहीं लग रही थी। गोरा गोरा मुखड़ा, काली काली मूछ, वो भी निकाल दूंगा। आय हाय, करना लाल तक कमाल है। सुबह से लड़के टकरा रही हैं। पहंगे शाह,
अखें संभाल के बात कर, नाई की करनी तेरी भी मुझे काट लूंगी। ये ले नाई की मुझ और उसका उस्तरा, कसम भुकनी की। ओए सुनार के बच्चे, अबे भेंगे शाह, बात बन गई। इधर मैं अपनी शादी की तैयारी करता हूँ, उधर तू अपनी शादी की तैयारी कर। ओए कैसी शादी बर्बादी की तैयारी कर ओए? क्या हुआ? ओ नाई, वो सुनार का बचा तनु मुंड के ला गया, ये तेरी मुच्छी और ये तेरा उसरा ला पकड़। शादी बड़ी धूमधाम से होगी, आ गए लो बेटी। हमारी बहन की शादी नहीं होगी, ले लो, ले जाइए ये शादी। छोटे ठाकुर, ये क्या कर रहे हैं आप? संधि सर के ताज होते हैं और सगुन पूजा की सामग्री, आप इन दोनों को ठोकर मार रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हमारी बहन की शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये तो हम पूछ सकते हैं। हम इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब ये क्या देगा, मुझसे सुनिए। पहले ही कई डोलियां लूटी जा चुकी हैं, जिनमें एक डोली मेरी बहन की थी, और शेरा ये नहीं चाहता जो दूसरों की बहनों के साथ हो चुका है इसकी बहन के साथ भी हो। मान लो हम ऐसा ही चाहते हैं। इसका मतलब तुम्हारे घर में आग लगे तो आग, और दूसरे के घर में आग लगे तो तमाशा। बकवास बंद, निकाल दो इसे, चल भाग जाओ से पागल कहीं का। जाता हूं और तुम किए जाओ अपना काम। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी बहन की डोली यहां से नहीं जाएगी। डोली तो जाएगी शेरा, तुम अपनी किस्मत को गांव वालों की तकदीर से अलग नहीं कर सकते। शेरा, मैं डाकुओं के ख्याल से ये शादी नहीं रोकूंगा। शेरा, तुम्हारे डर से मेरा विश्वास कहीं ज्यादा मजबूत है। ये मेरा फैसला है और यही इंसाफ का तकाजा है। संदीप जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। आप चाहे इसे मेरा बहन ही समझ लीजिए, लेकिन मेरी बेटी शादी का लाल जोड़ा नहीं पहने। ठाकुर साहब, हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर रहे हैं, लाल जोड़े से नहीं। फिर जाइए, शादी की तैयारी कीजिए। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अकेले में। आओ। ठाकुर साहब, अगर आपको इतराज ना हो, आपकी बेटी के साथ डोली में मैं बैठूंगा। क्यों, इस बार क्या सोचा है तुमने? इस दफा मैं डोली में बैठकर यह देखना चाहता हूं कि वो कौन है जो डोलियों पर हमला करता है और दुल्हनों को उठाकर ले जाता है। लाखन, हमारी बेटी के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल दोगे? ठाकुर साहब, आपकी बेटी हमारे गांव की इज्जत है, लाज है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही वचन चाहता हूं, जो कुछ मैंने आपसे कहा है वो आपके और मेरे बीच राज रहेगा। ऐसा ही होगा लाखन। धन्यवाद। नमस्ते। मुझे नहीं बताइएगा बंद दरवाजे के पीछे लाखन से क्या बातें कर रहे थे? कुछ राज की बातें हो रही थी ठकुरायन। ऐसा कौन सा? नई डोली के बारे में आपका क्या हुक्म है? अब की बार बहुत मुश्किल है, इन लोगों की पूरी तैयारी है। दुल्हन के साथ डोली में रखवाला भी बैठेगा। फिर तुम फिक्र मत करो, हम भी नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। चलो रे डोली उठाओ, कहां मिलन की रुत आई। चलो रे आई।
बिछड़ रही है वही बने हैं अब रखवाले मुझे न तड़ पाओ कहा साधो ओए डोली नहीं लूटी गई डोली नहीं लूटी गई अरे सुन भाई साधो बोल रे माधो सुन भाई साधो I'm not
तेरी नींदों में खो जाऊं, ये बनके मैं सपना सुहाना तेरी नींदों में खो जाऊं, मैं प्यार की चांदनी में जी चाहे सो जाऊं, क्योंकि दुख ना जुदाई की मार जैसा, सुख नहीं दिल के करार जैसा, यार नहीं कोई मेरे यार जैसा। जब बेटियां विदा होती हैं तो पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये किस खुशी में खुशियां मनाई जा रही हैं? खुशी की बात तो है ही लाखन, हमारी बेटी खैरियत से अपने ससुराल पहुंच गई है, भगवान का शुक्र है रास्ते में डोली लूटी नहीं गई। यही तो मेरा सवाल है ठाकुर साहब, डोली क्यों नहीं लूटी गई? आपकी बेटी के साथ वो क्यों नहीं हुआ जो दूसरों की बेटियों के साथ होता रहा है, दूसरों की बहनों के साथ होता रहा है? हम तो इसे किस्मत का खेल समझते हैं लाखन, भाग्य के देवता हम पे मेहरबान थे, दूसरों पे नहीं। ये भाग्य का खेल नहीं है ठाकुर साहब, नियत का सवाल है। भाइयों, आज मैं सारे गांव वालों को यह बता देना चाहता हूं कि वो डोलियों का लुटेरा ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यही मौजूद है। कौन है वो? ठाकुर साहब, डोली में आपकी बेटी के साथ मैं बैठा था, ये राज सिर्फ आप जानते थे या मैं जानता था। तुम कहना क्या चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूं वो शीशे की तरह साफ है, डोलियों का लुटेरा या मैं हूं या आप है। लखन, इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से कुछ और जहर उछले, हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेना पसंद करेंगे। जिंदगी खत्म न कीजिए ठाकुर साहब, ये नाटक खत्म कीजिए, बताइए आप डोलियां क्यों लूटते रहे, दुल्हनों का खून क्यों करते रहे? तुम इतना बड़ा इल्जाम हम पे लगा रहे हो, कह रहे हो वो घोर हत्यारा हम है, हम पागल है, हम डाकू है, हम तुम्हारी गुस्ताखी और जुर्रत पे हैरान है लाखन, हम हैरान है अपनी बेशर्मी पे जो ये सब कुछ सुनने के बाद भी इस जमीन के ऊपर खड़े हैं, इस जमीन के अंदर काल क्यों नहीं गए? छोड़ दीजिए हमें, मार जाने दीजिए हमें, ये सब कुछ सुनने के बाद मौत हमारे लिए इनाम होगी और जिंदगी सजा। लाखन, ये राज मुझे भी मालूम था, लेकिन ये राज मैं अपनी बेटी शेरा से छिपा नहीं सकी। शेरा, हाँ हाँ शेरा, डोली इसलिए नहीं लूटी गई कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बड़ी चालाकी से दुल्हन की डोली में आकर खुद बैठ गए। पहले मुझे सिर्फ शक था, आज मेरा शक यकीन में बदल गया पिताजी, कि डोलियों का लुटेरा ये है और सुहागनों का कातिल भी ये। खेरा, तुम्हारा मतलब है कि वो सारी डोलियां मैंने लूटी हैं? अपनी बहन की डोली भी? हाँ हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं शेरा, ये नहीं हो सकता, कोई भाई अपनी बहन की डोली नहीं लूट सकता। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ ठाकुर साहब, शेरा की बहन का बच जाना इस बात का सबूत है, डाकू अगर कोई तीसरा होता तो वो मेरी बहन और शेरा की बहन में कोई फर्क न समझता।
वो शेरा की बहन के साथ भी वही करता जो मेरी बहन के साथ हुआ है। शेरा ने अपनी बहन को तो छोड़ दिया लेकिन दूसरों की बहनों और बेटियों के लिए मौत बन गया। ये झूठ है। नहीं, लाखन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। हाँ, ठीक कह रहा है। ठाकुर साहब, लाखन की आवाज सारे गांव की आवाज है। हाँ, ठीक कह रहा है। आप चुप क्यों हो गए ठाकुर साहब? आज आपका इंसाफ अपने खून के सामने गूंगा क्यों हो गया? हम सब आपसे इंसाफ मांगते हैं। शेरा खूनी है और खूनी को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लीजिए बंदूक और सुनाइए अपना फैसला। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे ठाकुर साहब तो इसका फैसला हम खुद करेंगे। खामोश, हम अभी जिंदा हैं। हम अपनी बेटे की खातिर इंसाफ का खून नहीं कर सकते। बोल शेरू, जनता की आवाज को लोग भगवान का नकारा मानते हैं, वो कभी झूठ नहीं होता। बोल, सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूं पिताजी। मैं आखिरी बार पूछता हूं, उन डोलियों का लुटेरा कौन है? सच सच बता दे बेटे। पिताजी मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता। शेरू, तुम्हारे मुंह से जितने झूठ निकलेंगे मैं उतनी गोलियां तुम्हारे सीने में डाल दूंगा। नहीं, ये क्या कर रहे आप? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाइए, मेरी कोर पर चलाइए जिससे उसने जन्म लिया है। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। जिस तरह इंसाफ अंधा होता है उसी तरह बंदूक भी अंधी हो सकती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरा पीछा भी करने की कोशिश की तो। पागल है। रेशमा कहाँ है? अंदर है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं रेशमा का बाप, इस घर का मालिक। मालिक? आज पांव की जूती सर के ताज को ललकारने लगी। ये पहली बार हुआ है कि एक मामूली वैद्य ने ठाकुरों के घर से आए हुए रिश्ते को लौटा दिया है। ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अच्छा बुड्ढे, कहीं हमारे हाथों तेरा भी खून न हो जाए। ठाकुर इनकार सुनने के आदि नहीं। शेरा, ठाकुर होगा अपने गांव का, यहाँ तेरी जबरदस्ती नहीं चलेगी। मेरे बाबू को धमकी देता मैं तेरे होंठ भी जाऊंगी। अरे हट! दुल्हने आज तक डोली में जाती रही है लेकिन अब हम डोली का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम तुझे कंधे पे उठा के ले जाएंगे। आज हमका तुम्हारा असली रूप मालूम हो गया है। हमका विश्वास हो गया है कि वो दुल्हनियन का खूनी कौन है, डोलियन का डाकू कौन है। क्या भक्ति है? अरे हम का भक्त है? गांव का बच्चा बच्चा कहा था कि वो खूनी भी तुम्हें हो डाकू भी तुम्हें हो। इसका कौनो जवाब है तुम्हारे पास? हम जवाब देने के आदि नहीं। अपनी जान प्यारी है तो हट जा। तिनको को जिंदगी चाहिए तो आंधियों का रास्ता नहीं रोकते। हट! तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चली। हट जा हमारे रास्ते से, वरना घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। कुचल दियो, हम जान दे देव, पर जुलम नहीं होने देव। नहीं।
अरे हट! क्या इरादा है? किस बात का? होठों पे वही सवाल, हाथ में वही कंगन, पहन लो। कंगन पहने नहीं जाते, पहनाए जाते हैं। जानी दुश्मन समझ लूं, ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू। ऐसी वैसी ना समझ सजना, ऐसी वैसी ना समझ सजना। इतना तो मेरा दिल भी जानता जरूर है कितनी तू मेरे पास है और कितनी तू दूर है।
प्रेमी को जो इशारा करना था वो हो चुका, मगर वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा। अगर मुर्दे मौत की घाटी से उठकर आ सकते तो वो जरूर आ जाता, मगर अफसोस वो बेचारा मर चुका है। मुर्दे कभी कभी जिंदा भी हो जाते हैं शेरा, अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए। फिर देर किस बात की है राजा, चुका लो। इंसाफ के पुजारी की जबान पर ताला क्यों लग गया? इंसाफ का आसन क्यों डोलने लगा? इसलिए कि मुजरिम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है। ठाकुर, ये इंसाफ होगा और होकर रहेगा। इंसाफ जरूर होगा। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो आज की रात शेरा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ठकुराइन, हमारी बंदूक लाओ। कान, हमारी बंदूक लाओ। अपने बेटे की तलाश में आया हो ठाकुर, जो दूसरों की इज्जत की होली जलाना चाहता था, वो देखिए खुद अपनी होली की आग में जल रहा है। शैतान की चिता पे आंसू नहीं बहाते। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। सिर्फ अपनी जिद के लिए
तो खुद मिट्टी में मिल गया। बेटे इतना तो सोचा होता तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा। इस आग से बच भी जाता तो आपकी बंदूक का निशाना बन जाता, आपका कलेजा तो पत्थर का है ना, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ इस गांव का ठाकुर ही हूं? ये क्यों बोलती हो, मैं शेरा का बाप भी हूं। पंडित ने हमारी शादी का मुहूर्त निकाल दिया। सच? हाँ। ए, किस सोच में पड़ गई? कहीं मेरी भी डोली लुट गई तो? अब कोई डोली नहीं लूटी जाएगी, डोलियों को लुटेरा जल गया अपने ही पापों की आग में। मैं बच कैसे गया? मुझे आग के शोलों से किसने निकाला? हम निकाले रहे। लेकिन तू वहां कैसे पहुंच गई? जैसे तन के साथ छाया, हम ना ही कहते रहे कि तुम जहां भी जाइयो हम साये की तरह तुहार पीछा करो। हम अपनी जान की ढाल बनाए ले रहे तोहरे खातिर। हम ऐसे बला है कि तुहार मौत आई पर हम कदे के पलट गई। मौत तुझे देखकर नहीं मुझे देखकर पलट गई। जो काम अभी अधूरा रह गया है उसे पूरा किए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? चलो रे गोली उठाओ कहाँ पिया मिलन आई नगरी ले जाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई। देखो हरियाली आई है रुत खुशियों वाली, हर आशा परवान चढ़ी, दिन है दुसहरा रात दीवानी। गले डाल बाहों का हार कहा मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया मिलन की रुत आई। पुजारी जी महाराज, दूल्हा और दुल्हन के लिए भोलेनाथ का प्रसाद तो लेकर आइए। शंकर भोलेनाथ, डोली आ गई है, मैं स्वीकार हूं। Yeah.
तुम पकड़े गए। मैं खूनी नहीं हूँ। अगर मैं खूनी होता तो आज तुम भी जिंदा नहीं बचते। मैं तो सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ लाखन कि अपने माथे पर लगे हुए खून के धब्बे को उस असली खूनी के खून से धो सकूं। लाखन चलो मेरे साथ। पागल के बच्चे। इंस्पेक्टर आप पागल बने रहे। वक्त जाए मत करो वरना एक और खून हो जाएगा।
तुम याद करो वो तूफानी रात। मुझे तो डर लग रहा है। भूत का? हाँ। अरे पगली, ये तो सिर्फ लोगों का वहम है कि भूत खंडर में रहते हैं, वो तो सिर्फ मूर्खों के दिमाग में रहते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ कि भूत के डर से कहार और बराती भाग गए, पर ना ये घड़ी न जाने कितनी घड़ियों के बाद आती। अब तो डर नहीं लगता ना? उसे लाल जोड़े में देखकर मेरे सीने में तभी हुई नफरत की चिंगारी भड़क उठी। सबका गुनहगार हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरे हाथों हुआ।
हो सके तो माफ करना मुझे। बेटा बेटा नथनिया, ये दीवार फाड़ने वाला भूत कहीं मुझे फाड़ के मेरे अंदर घुस गया तो कसम फुकनी की कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी फुकनी बंद कर दूं। क्या करें? क्या करें? पतली गली से निकल ले। हटी हटी हटी